कुछ लोगों के लिए ये अपडेट अच्छी भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए नहीं जो कनाडा की फाइल्स प्रोसेस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वीजा प्रोस के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें कनाडा की तो आप मेरी साइट पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, लास्ट ट्वीट किया गया है। कनाडा की जो पीआर फाइल्स हैं, जो विजिटर वीजा फाइल्स हैं, या फिर चाहे वर्क परमिट, एनी टेम्परेरी और परमानेंट रेजिडेंस फाइल्स आने वाले फ्यूचर में कुछ थोड़े दिनों में, अभी ये टेस्टिंग पर्पस पे चल रही है, ठीक है, टेस्टिंग हो रही है, या इनका अभी वो प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। सो अभी फाइनल डिसीजन नहीं कुछ हुआ है, लेकिन आप मेरे साइड पे जो ट्वीट देख रहे हो उसके मुताबिक यही दिख रहा है कि जो आने वाले दिनों की फाइल्स होंगी कनाडा में, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंस हो चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंस लाइक स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा या वर्क परमिट या स्पाउस वीजा, कोई भी फाइल हो कनाडा के लिए वो ऑनलाइन प्रोसेस ही होगा, जिससे क्या है पेपर वर्क का काम थोड़ा कम हो जाएगा और जो पेपर वर्क का रिकॉर्ड्स उनको संभाल के रखना पड़ता है, वही रिकॉर्ड्स अभी वो कंप्यूटर सिस्टम में ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड्स बोले जाएंगे, और वो वहां से ढूंढना और कोई रिकॉर्ड देखना, कोई पुराने रिकॉर्ड्स को ढूंढना तो इजी रहता है, पेपर वर्क की जगह पे वो वाला काम ज्यादा इजी रहता है। और इसके साथ क्या है, चाहे कोई पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सेव रहते हैं। तो अभी शायद ये अपडेट कुछ लोगों को अच्छी लगे भी, अभी ऑनलाइन फाइल्स की वजह से सारा रिकॉर्ड क्लीन हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी फ्रॉडलैंड नहीं होगा इसमें, कोई आपको स्कैम करता है तो वो भी स्कैम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कनाडा की ऑफिशियल एक ही वेबसाइट है जिसपे सारा ये प्रोसेस चलेगा। तो अभी भी अनदर फेक वेबसाइट बनाओ या कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करो या कुछ भी वो प्रोसेस करेगा, आपकी फाइल अगर आप किसी एजेंट से लगवा रहे हो तो सारा कुछ आपका ऑन रिकॉर्ड देखेगा ही देखेगा, ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। यहाँ अगर कोई आपको एजेंट बोल देता है कि फाइल लगी हुई है प्रोसेस में, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी रिकॉर्ड है वो आपको ऑनलाइन दिखेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों को ये मेरी वाली आज की अपडेट अच्छी ना लगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी रहेगी, इससे क्या लोग सिक्योर हो जाएंगे और डाटा भी जो सेफ एम्बेसी के पास डायरेक्टली चला जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।